हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि TWS का रिव्यू करो, तो मेरे पास यहाँ पे जो है कुछ TWS पड़े हुए हैं। मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे टेस्टिंग पूरी करी है। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग जो है एयरपॉड्स अफोर्ड नहीं कर सकते और एक अच्छा TWS चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए और लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए चूज करे हैं टॉप 5 TWS आईफोन के लिए अंडर 2000। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से, जो पहला रहने वाला है यहाँ पे आपको जो है EDL का, यहाँ पे जो है CS5 ब्लूटूथ आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ईयरबड्स, और यहाँ पे आपको IPX7 की जो है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिलती है। बेसिकली डस्ट की नहीं होती, वाटर की ही होती है, बट यहाँ पे जो चीज मेंशन करते हैं तो वाटर की बेसिकली यहाँ पे जो है रहती है। और 3500 mAh की आपको जो है यहाँ पे बैटरी देखने के लिए मिलती है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि 5 आवर्स का आपको टॉक टाइम देखने के लिए मिलता है, 7 आवर्स का लिसनिंग टाइम देखने के लिए मिलता है और 120 आवर्स का जो है टोटल प्लेबैक टाइम है। तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट इसका जो है यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है, 1200 rupees यहाँ पे प्राइसिंग है। अभी ये सेल की प्राइसिंग है, वैसे जो इसकी रेगुलर प्राइसिंग रहती है वो 1400 rupees। तो 1400 rupees के हिसाब से मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पे जो है कम फीचर्स हैं, तो ये चीज थोड़ी हम लोगों को देखनी होगी। और बिल्ट इन माइक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, मेरे पास नहीं पड़ा, मैंने ये वाला नहीं मंगवाया था रिव्यू करने के लिए, लेकिन जो मेरे कुछ टॉप पिक्स है वो मैंने मंगवाए थे और मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो में बताने भी वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रहने वाला है वो है AirDrops 171, वो मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, अराउंड 2 महीने होने वाले मेरे को AirDrops 171 यूज करते हुए, और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी 1300-1400 ही रहती है, चेंज होती रहती है ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू सेल वगैरह जब आती है, तो आप लोगों को जो है प्राइसिंग डिफरेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहता है कि आपको जो है इसमें लेटेंसी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बैटरी बैकअप मेरे को इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो 171, और आपको यहाँ पे जो है ईयरबड्स देखने के लिए मिल रहे हैं विद माइक। यहाँ पे जो है इसका माइक्रोफोन मेरे को सबसे बेस्ट लगा, मतलब अगर मैंने सारे टेस्ट करे तो बोट का ऐसा माइक्रोफोन था जो मेरे को बिल्कुल बेस्ट लगा, बिल्कुल क्लियर ऑडियो और कॉलिंग के टाइम पे जो है मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा देखने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पे जो आपको 13 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलता है, 3 आवर्स का आपको जो है विद केस देखने के लिए मिलता है, और 5 आवर्स को जो है यहाँ पे आपको 60 मिनट प्लेबैक देखने के लिए मिलता है विद चार्जिंग। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, अगर आपको बहुत जल्दी कहीं जाना और 1 मिनट में करना हो तो आप 60 मिनट्स में चार्जिंग करके 5 आवर्स का प्लेबैक ले सकते हो, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको 1400 के प्राइसिंग में हाईएस्ट क्वालिटी अगर मैं बोलूंगा, अगर आपको इस प्राइसिंग में चाहिए तो वो ये होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रूक के बर्ड्स, आप लोगों को ट्रूक बर्ड्स S1 देखने के लिए मिलते हैं ट्रूली वायरलेस, और यहाँ पे जो है आपको ANC भी देखने के लिए मिलता है, ENC बोल सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन ANC एयरपॉड्स वाला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको कॉर्ड माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, 4 एरियाज में माइक्रोफोन है, बट अगेन जो माइक्रोफोन क्वालिटी मेरे को बोट की देखने के लिए मिली वो मेरे को जो है यहाँ पे ट्रूक की देखने के लिए नहीं मिली। ब्लूटूथ यहाँ पे जो है 5.1 आप लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पे जो है प्रीमियम स्लाइडिंग केस है। इसका जो केस है मैंने वीडियोस वगैरह देखे, रिव्यूज वगैरह चेक करे, उसका केस जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, और मैं बोलूंगा कि शायद सबसे अगर अच्छा कोई केस है तो वो ट्रूक का ही आपको देखने के लिए मिलता है, बोट का भी इतना नहीं, क्योंकि बोट का जो है रेगुलर जैसे आप लोगों को TWS देखने के लिए मिलता है बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और बात रही यहाँ पे प्राइसिंग की, तो 1300 rupees की इसकी प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग में जो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, और यहाँ पे जो है IPX4 की आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 2nd नंबर पे Realme Buds Q2। बहुत सारे लोग शायद Realme के परचेज नहीं करते आईफोन रखने के बाद, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को जो है यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो Realme Buds Q2 जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ANC देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एनवायरमेंटल नहीं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और आप लोगों को यहाँ पे 28 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलता है जो बहुत ज्यादा अच्छा है 28 आवर्स का। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, डुअल माइक है इसमें, कॉर्ड माइक आपको उसमें ट्रूक में देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको जो है डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, IPX5 की यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलती है। एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप हे सिरी बोलो, ओके गूगल बोलो, कुछ भी बोलो, आप लोगों को जो है बहुत अच्छा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये सभी में है, जितने भी TWS यहाँ पे चूज करें यहाँ पे कमांड वाइज जो है बहुत ज्यादा फास्ट है, और लेटेंसी आप लोगों को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहाँ पे कंप्लीटली 2000 rupees है, 1999 आपको यहाँ पे प्राइसिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये क्वालिटी जो है थोड़ी सुपीरियर है, ऑब्वियसली रियलमी ब्रांड की तरफ से आता है, वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड्स है, तो प्राइसिंग भी आप लोगों को कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे जो है ब्लूटूथ, बैटरी, लेटेंसी इसकी मेन चीज है, और बात रही बैटरी तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फीचर्स की वजह से जो इसकी प्राइसिंग है वो थोड़ी इंक्रीज होती है। लास्ट यहाँ पे जो निकल के आता है वो मेरे को प्राइसिंग वाइज भी अच्छा लगा, साउंड वाइज भी अच्छा लगा, माइक्रोफोन वाइज भी अच्छा लगा,
बैटरी वाइज भी अच्छा लगा, वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पर्सनली। अभी मैंने जो है 3-4 दिन ही हुए मैंने इसको यहाँ पे मंगवाया। तो बोट एडोब्स यहाँ पे 121 न्यूली लॉन्च, अभी आई गेस एक साल ही हुआ है इसको लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे जो ये बोट के 121 ईयरबड्स आते हैं ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और इसका माइक्रोफोन सबसे बेस्ट है, 171 से भी अच्छा है। 171 थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर अच्छी प्राइसिंग में आपको चाहिए, और मैंने ये सेल में परचेज किया है 899 का, ओनली 900 रुपीज का, ये मेरा टॉप पिक रहेगा। वैसे रियलमी के जो है महंगे हैं, तो प्राइसिंग ऑब्वियसली आपको और अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, बट अफोर्डेबल प्राइसिंग में 900 रुपीज में बोट को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लेटेंसी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलती आप लोगों को, यहाँ पे माइक्रोफोन बहुत ज्यादा अच्छा, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मेरे को इसमें पर्सनली लगी वो है यहाँ पे कि जो साउंड है वॉल्यूम वो थोड़ी सी मेरे को अनइवन लगी, वॉल्यूम डिक्रीज करने के टाइम पे, जो है वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा थी। यूजुअली जो रेगुलर वॉल्यूम रहती है डिक्रीज करने के टाइम पे पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2 की, वो वॉल्यूम उससे ज्यादा थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डिफरेंस मेरे को देखने के लिए मिला। बट मैं बोलूंगा कि ये एक एडवांटेज भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट मेरे को अगर कभी जो है अकेले बैठ के गाने सुनने कुछ भी करना, और मैं नहीं चाहता कि बाहर आवाज जाए, वैसे तो जितने भी TWS है किसी में भी जो है ईयर से बाहर वॉइस नहीं जाती, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्लोज हो और अगर पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 पे आपकी वॉल्यूम हो तो शायद इससे थोड़ी बहुत बाहर जा सकते, तो वो मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा। और यहाँ पे जो आपको कलर्स भी अच्छे दिखने के लिए मिलते हैं, पिंक है, मिडनाइट ब्लू है और ब्लैक कलर है, और ऐसे जो है इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो आप लोग ये परचेज कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आपको जो है चार्जिंग कितनी है वो वहाँ पे आपको LED में देखने के लिए मिलता है कितनी है, तो ये थोड़ा बेटर लगता है, वरना फोन पे मैकबुक पे किसी पे भी कनेक्ट करके चेक करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करके जो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो ये मेरे टॉप 5 पिक रहेंगे, आप लोग परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, आप लोग इसको डायरेक्टली अमेजोन से परचेज भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो खुद अमेजोन पे जाके भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गिव अवे का जो रिजल्ट है वो 60K सब्सक्राइबर्स पे आएगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो अराउंड 20-25 दिन में जो है रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एयरपॉड्स 3rd जनरेशन का यहाँ पे जो है गिव अवे हो रहा है, तो पार्टिसिपेट करना मत भूलना, स्टेप बहुत ज्यादा ईजी है, यहाँ पे स्टेप आ रहे होंगे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।